आज हम आए हैं दिल्ली के इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के पास अन्ना नगर में। यहाँ पर दिल्ली के 40-45 डिग्री की इस गर्मी में बच्चे यहाँ पर भीड़ में पढ़ाई कर रहे हैं। ये ढेर सारे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं दोपहर के टाइम पे ये यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। इसकी वजह जानने की कोशिश की तो पता चला कि यहाँ पर एक NGO है जो ऐसा काम करता है, जो इन बच्चों को सैटरडे संडे आकर इन बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। बहुत सारे वॉलेंटियर्स यहाँ पे आते हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे हैं या पढ़ाई करते हैं, वो आके इन बच्चों की यहाँ पे मदद करते हैं। मैं यहाँ इसलिए आ रही हूँ क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाना काफ़ी पसंद है, मेरी एक हॉबी है ये पढ़ाना, और यहाँ के बच्चों को ज़रूरत है इसकी क्योंकि इनके पास कोई सोर्स नहीं है अलग स्कूल के अलावा। हमारे पेरेंट्स इतने कैपेबल थे कि हम लोगों को बड़े बड़े कोचिंग में भेज पाए, हम लोगों ने अच्छी एजुकेशन ली। यहाँ के बच्चों के पेरेंट्स के पास इतनी कैपेबल नहीं है वो लोग कि अपने बच्चों को भेज पाएँ, और हम लोग इसलिए यहाँ आते हैं क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो हम इस सोसाइटी को वापस कर सकें, इनका कुछ भला कर सकें ताकि इनका इम्प्रूवमेंट हो पाए और ये भी यूथ एज अ बन के कुछ इंडिया के लिए कर पाएँ। पर्सनली मैं खुद भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो मुझे पता है कि कोचिंग जाकर बच्चों को ट्यूशन डेली ट्यूशन जाके हर फैमिली के लिए अफोर्डेबल नहीं हो पाता है, और ये स्लम एरिया है तो यहाँ पे बच्चों की फैमिली इतनी भी वेल एजुकेटेड नहीं है कि वो जाके कोचिंग दिलवा पाए बच्चों को, तो मुझे यहाँ पे आकर फ्री में एजुकेट करना बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे मेरे मम्मी पापा इतने पैसे नहीं है, मेरे पापा गार्ड की नौकरी करते हैं, मेरी मम्मी हाउस वाइफ है, इसलिए मेरी मम्मी पापा इतने पैसे नहीं मिलते ओनली फीस पर ट्यूशन पढ़ा सकें, इसलिए मैं यहाँ पढ़ने आता हूँ सैटरडे संडे। आप यहाँ देख सकते हैं कैसे गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी में भी बच्चे यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं। इन बच्चों में पढ़ाई की लगन इतनी है कि चाहे गर्मी हो सर्दी हो या हर एक मौसम में पढ़ने आते हैं। एक मंदिर सा एरिया है जैसा आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत बेकार है, टूटा फूटा भी है, पर बच्चों के अंदर पढ़ाई की लगन है तो वो इस एरिया में भी पढ़ने आ रहे हैं। मेरे पे दो बेटियां हैं, मेरी एक बेटी स्कूल जाती है पढ़ने, इस लायक नहीं है जैसे हम प्राइवेट में पढ़ा सके। हमें तो इंक्लूजन से बहुत फ़ायदा है, किताब को भी हमारे बच्चे को मिलती है, हम नहीं ले पाते तो किताबें पेंसिल पूरा एडजस्ट हमारा यहाँ से हो जाता है। ट्यूशन से भी हमें बहुत फ़ायदा है कि हमारे बच्चों को आगे को सोच समझ भी अच्छी अच्छी मिलती है, कोई गलत काम आ रही है ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा बच्चा समझदार भी खूब हो रहा है, अच्छा पढ़ रहा है लिख रहा है,